हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर, मैरीगोल्ड बुक, सीबीएसई बोर्ड ग्रेड 5 से। बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं या जो आपके टीचर्स होते हैं, वो आपसे हमेशा ऐसे कहते हैं कि अपना काम जो है वो समय पे करो, या अगर उन्होंने आपसे किसी काम को करने को कहा तो वो ये चाहते हैं आप उस काम को उसी वक्त पूरा करो। जैसे आपको सुबह उठना है, वो आपको जल्दी उठाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी उठो, अपना समय पे होमवर्क पूरा कर लो, अपने स्कूल बैग को पैक कर लो, ये सब काम आपको वो करने को कहते हैं। पर आप लोग क्या करते हो? जनरली कुछ बच्चे होते हैं जो बात सुन लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे कर लेंगे, अभी समय बहुत पड़ा है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार ये जो हम सोचते हैं कि अरे बहुत टाइम है, हो जाएगा, उसमें हमें कई बार प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। जब भी आपके बड़े कहते हैं कि काम को समय पे करो, तो उसको कहने के पीछे एक वजह होती है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है। यही चीज इस स्टोरी में बताई गई है। अब ये जो हमारी स्टोरी है, इसको पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि अगर हम अपना काम समय पे नहीं करते हैं, या अगर कोई हमसे बड़ा कह रहा है किसी बात को, हम उसे उस वक्त नहीं सुनते हैं, नहीं ध्यान देते, तो आगे चल के हम ही उस चीज को लेकर फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसकी जो टहनियां थी वो बिल्कुल अच्छे से पत्तियों से लदी हुई थी और देखने में इतनी मजबूत थी जैसे मानो किसी इंसान की, जैसे ताकतवर इंसान की बाहें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही वो ब्रांचेस दिखती थी। ब्रांचेस क्या होती है? पेड़ की टहनियां। अब इस पेड़ पे एक तरह से इतनी सारी जो है हंस होते हैं, या जो बत्तख होती है, गीज जो बेसिकली होती है, वो जो है उनका झुंड रहता था। उनके लिए ये पेड़ उनका घर था। यहाँ पर क्योंकि वो इतना हरा भरा था, इतना पत्तियों से ढका हुआ था, कि वो हमेशा अपने आप को उस पेड़ पर सुरक्षित महसूस करती थी। उन्हीं सब जो गीज थी उनमें एक थोड़ी सी समझदार और ज्यादा उम्र वाली बर्ड भी थी। अब उसने एक दिन जब वो पेड़ पे बैठी होगी, तो उसकी निगाह जो है पेड़ के बिल्कुल नीचे तने पे, जैसे होता है ना जहां से पेड़ उगता है, वहां से उसको दिखाई दिया कि एक छोटी सी जो क्रीपर है वो बढ़नी शुरू हो रही है। क्रीपर क्या होता है? बेल। बेल जैसे पेड़ों के चारों तरफ लपेटती चली जाती है, जब बढ़नी शुरू होती है तो फैलती है। तो उसने देखा कि ये जो छोटी सी बेल है पेड़ की जड़ के पास से, जहां बिल्कुल तना होता है, वहां से निकलनी शुरू हो गई है। तो उसने जो बाकी और बर्ड्स थी उनसे इस बारे में बात करी। उसने बोला, तुमने ये जो बेल बढ़ रही है इसको देखा? चलो इस बेल को जो है अभी ही खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भाई ये बेल बढ़ रही है, बेल फैल जाएगी तो आगे मुसीबत बन सकती है हमारे लिए, तो उसने जैसे ही देखा उसने बोला, क्यों ना इस बेल को अब ही खत्म कर दिया जाए। अब जो बाकी सारी गीज थी वो चौंक के पूछे, अरे क्यों खत्म कर दें इसे, क्यों खराब कर दें, वो तो बहुत छोटी सी है अभी और वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जो बाकी गीज थी वो बड़ी वाली गीज जैसे समझदार नहीं थी, वो सिर्फ उतना ही देख रही थी, उतना ही सोच रही थी जितना उनको सामने नजर आ रहा था। उनके लिए वो जो क्रीपर था, वो जो बेल थी, वो एक छोटी सी बेल थी, हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अब वो जो बड़ी वाली ओल्ड बर्ड थी उसने समझाया कि दोस्तों ये जो बेल है ये बहुत जल्दी लंबी हो जाएगी, और जैसे जैसे ये लंबी होती जाएगी ये इस पेड़ के चारों तरफ लपेटती चली जाएगी और फिर काफी मजबूत हो जाएगी और काफी मोटी हो जाएगी। फिर बाकी गीज को जैसे कहना चाहिए, समझ ही नहीं आया इस बात को कि क्या असली पर्पज है उनका बताने का। तो उनने बोला, उससे क्या हो जाएगा, अगर वो बढ़ भी जाएगी, मजबूत भी हो जाएगी, तो हमारा क्या नुकसान पहुंचा देगी। तो जो समझदार वाली बर्ड थी उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बाई चांस अगर ये मजबूत हो गई, बढ़ गई, तो इससे कोई भी चढ़कर इस पेड़ के ऊपर आ सकता है, यानी कि अगर कोई शिकारी आना चाहे तो वो बड़ी आसानी से इसकी मदद से ऊपर चढ़ के आ जाएगा और फिर हम सबको मार देगा। तो सारी गीस जो है एक तरह से वो जो बड़ी वाली बर्ड थी उसकी बात को अनसुना कर दिया, उन्होंने अनदेखा कर दिया। उन्होंने बोला, क्या जल्दी है अभी इसको हटाने की, अभी तो ये बहुत छोटी है और हमें इसको खत्म करके खराब करने में हमें भी दर्द आ रहा है, हम इसे नहीं काटेंगे। तो वो बड़ी वाली जो बर्ड थी उसने फिर सलाह दी कि इस क्रीपर को, इस बेल को अभी ही तोड़ दो जब ये छोटी है, क्योंकि अभी ये मुलायम है, आसानी से कट जाएगी,
बाद में ये इतनी हार्ड हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर तुम इसे काटने की सोचो तो काट भी नहीं पाओगे। तो सारी बर्ड्स ने फिर वही किया, अरे देख लेंगे अभी जल्दी क्या है, जब बड़ी होगी तब देखेंगे। पर उन्होंने क्या किया, उस बेल को जरा सा भी नहीं तोड़ा, यानी कि अब उन्होंने बड़ी वाली जो बर्ड थी उसकी बात को एक तरह से नहीं सुना। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग उस बात को भूल भी गए। अब वो तो भूल गए, लेकिन ये जो बेल थी, ये जैसा होता है कि भाई बेल तो बड़ी हो रही थी, अब ये धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। बड़ी हुई तो ये जो है पेड़ के चारों तरफ लपेट लपेट के अब पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने लग गई। और जैसे जैसे ये बढ़ती जा रही थी उतनी ही मजबूत होती जा रही थी, जैसे मानो कोई एक मोटी सी रस्सी हो, बिल्कुल वैसे ही खूब मजबूत हो गई थी कि इसको तोड़ना काटना आसान नहीं रह गया था। एक सुबह की बात है, जब ये सारी गीस जो है खाने की तलाश में बाहर निकली, तभी एक जो शिकारी था वो जंगल में आया। तब उसने एक पेड़ देखा, उसने कहा अच्छा ये पेड़ है जहाँ पर सारी ये जो गीज हैं ये रहती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं शाम को लौट के आता हूँ और तब इन सबको पकड़ लूंगा। अब पेड़ पे कैसे ऊपर चढ़ना था, क्योंकि भाई पेड़ तो बहुत ऊंचा था, लंबा था, घना था, तो पेड़ पे कैसे चढ़ता, यहाँ उसको किससे मदद मिली, उस बेल से। अब जो शिकारी था वो उस बेल की मदद से उस ट्री के ऊपर चढ़ गया और वो बिल्कुल टॉप तक पहुंच गया और उसने वहां पर क्या किया, अपना जाल बिछा दिया और फिर वो धीरे से नीचे उतरा और चला गया। अब शाम को जब सारी गीज लौट कर आई तो उन्होंने जो है इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जाल पड़ा हुआ है। वो जैसे आकर पेड़ पर बैठती है वैसे सबकी सब अपना पेड़ पे बैठ गई, और जैसे ही वो पेड़ पे बैठी वो जाल में फंस गई। अब उन्होंने तो चाहे कितनी कोशिश कर ली अपने आप को छुड़ाने की, वो छुड़ा ही नहीं पा रही थी। क्या करें, तो वो जो है बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, अरे हम जाली जो शिकार का जाल है उसमें फंस गए हैं, बचाओ हमें बचाओ, अब हम क्या करें। तो वो जो समझदार वाली बर्ड थी उसने कहा, अब इस तरह से चिल्लाने से रोने से क्या होगा, जब मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि इस ट्रीपर को यानी इस बेल को खत्म कर दो तो तुम लोगों ने मेरी बात तो सुनी नहीं, अब देखो उसका नतीजा क्या हुआ है, कल सुबह शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। अब सारी जो बर्ड थी वो रोने लग गई, अरे हम बहुत बड़े बेवकूफ थे, हमने आपकी बात नहीं मानी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी, अब तो कुछ बताइए कि हम किस तरीके से अपनी जान बचा सके, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो वो जो समझदार बर्ड थी उसने फिर अपनी समझदारी दिखाई और उसने कहा, अच्छा अब मेरी बात जो है ध्यान से सुनो, कल सुबह जब हंटर आएगा तो हम सब ऐसे दिखाएंगे जैसे मानो हम सब मर गए हैं और बिल्कुल वैसे ही पड़े रहना। अब जो शिकारी है यानी जो हंटर है वो हम इन जो मरी हुई चिड़िया हैं उनको कुछ नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, वो क्या करेगा, एक एक करके हम सबको जमीन पे फेंक देगा ताकि उसको आसानी हो जाए कि वो नीचे उतर सके, फिर वो नीचे से सारी मरी हुई चिड़ियों को कलेक्ट करेगा और फिर उनको लेकर घर चला जाएगा। जब वो आखिरी चिड़िया जो है उसको नीचे फेंक दे तो तुम सब क्या करोगे, एकदम से उठोगे और उड़ जाओगे। अब ये उसने सलाह दी, सलाह बहुत अच्छी थी। अगले दिन सुबह क्या हुआ, वो जो हंटर था वो आया, उसने जो है जैसे ही देखा कि ठीक है चिड़िया ऊपर बहुत सारी है, वो जल्दी से ऊपर चढ़ गया क्लाइंबर की जो क्रीपर थी उसकी मदद से। अब उसने देखा सारी की सारी जो नेट थी उसमें बर्ड्स हैं, लेकिन सब की सब मरी हुई है। उसने अपने से कहा, अरे ये तो सब मरी हुई है। अब उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा समझदार बर्ड ने उससे कहा था, सबको बताया था, एक एक करके उसने जाल से सबको निकाल निकाल के नीचे फेंकना शुरू कर दिया। अब ये जो बर्ड्स थी ये सारी की सारी नीचे गिर रही थी तो बिल्कुल वैसे ही पड़ गई जैसे मानो मरी हुई हो। जैसे ही आखिरी बर्ड को नीचे फेंका एकदम से सबकी सब खड़ी हुई, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। उससे हंटर क्या हुआ, हंटर चौंक गया, वो देखने लग गया, अरे सारी बर्ड्स तो जिंदा थी ये तो उड़ गई। अब वो जो है बस क्या करा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, सारी गीज जो थी उसने नीचे फेंक दी थी और वो बस खाली पेड़ से ऊपर बैठ के ये देख रहा था कि सारी की सारी गीज उड़ गई। एक तरह से ये जो स्टोरी थी हमारी इसमें आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर बड़ों की बात समय पे ना सुने या उनकी कही बात को हम समय पे अनसुना कर देते हैं तो आगे हम ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ, पहले उनने बात नहीं सुनी लेकिन अल्टीमेटली माननी तो उनको बड़ी बात
जो बड़ी बर्ड थी उसी की ही पड़ी। उसने फिर समझदारी दिखाई और तभी इन सब की जान बची। इसलिए हमेशा कोशिश करो, जब कोई बड़ा या आपका टीचर, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहते हैं तो उसको उसी वक्त पूरा करने की कोशिश करो। ये थी हमारी स्टोरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।